अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जी कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। इसको हम 2n टेस्ट भी कहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमने अब डिफरेंट टेस्ट पढ़ने हैं, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यानी कि क्या उसका सम निकाला जा सकता है या के नहीं निकाला जा सकता। राइट, सो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, इसको हम 2n टेस्ट भी कहते हैं, 2n टेस्ट। ओके, तो ये क्या है, सपोज a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू an। जरा इस पे गौर कीजिए, इतनी बात पे अगर इतनी बात पे गौर करेंगे तो ये क्या बता रहा है। एक तो जब ग्रेटर देन इक्वल जीरो है तो ये बताता है कि सारी की सारी जो आपकी टर्म्स हैं वो उनमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, वन थिंग इज, और a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2, अगर ये a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 हो तो नंबर वन पे वन, चूंकि वन छोटा है टू से, वन इज लेसर देन टू बट इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन a2, a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2। तो जब मैंने कहा था डोमेन और रेंज के दरमियान डिफरेंट जो साइंस हो जाएं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू हो दूसरी लेसर इक्वल टू हो, या एक लेसर इक्वल टू हो दूसरी ग्रेटर और इक्वल टू हो, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है। अगर दोनों मतलब वन लेस देन टू है और ये भी लेस देन, या वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन है और उसकी टर्म भी उससे बड़ी है, यानी कि तो फिर अगर दोनों में डोमेन और रेंज में सेम सिंबल्स हों तो तब हम कहते हैं हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है। लेकिन और ये थ्रू आउट द सीक्वेंस है, ये थ्रू आउट द सीक्वेंस है, ये एक दो टर्म्स के लिए नहीं, हमने कहा था फॉर ऑल एन। अगर ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम होगा व्हेन एवर एम ग्रेटर देन एन इज लेस देन एम, ये देखिए एन तो एम से लेस है लेकिन उसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू से बड़ी है या इक्वल है, तो तब हम कहते थे सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग। जब हमने मोनोटोन सीक्वेंस स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी, उसमें से था इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इवेंचुअली इंक्रीजिंग, फिर उसके अलावा स्ट्रिक्टली इवेंचुअली इंक्रीजिंग, राइट, और चार डिक्रीजिंग के लिए थी। तो उनको ज़रा दोबारा देखिए, इसका अंदर ये जो है a1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 ग्रेटर देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक तो जो हमारा सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म है और वो डिक्रीजिंग है, ये मैंने लिख दिया है, दैट इज an इज अ पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी टेस्ट को हम यूं भी कह सकते हैं कि हम शुरू में दे दें कि लेट an बी अ पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जरूरी नहीं हम इस तरह से लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि let an बी अ पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देन अब आइए, देन द सीरीज समेशन an converges then the series summation an converges if and only if summation n from 0 to infinity 2 power n a 2 power n converges। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा जी कि summation an converges n will from 1 to infinity, ये कन्वर्ज करेगा इफ एंड ओनली इफ समेशन 2 पावर n a 2 पावर n n will from 0 to infinity converges। राइट, आपने देखे कि क्या किया, आपने जहां पे n था n की जगह पे 2 पावर n लगा दिया,
यानी कि यू हैव रिप्लेस दिस एन, ये सबस्क्रिप्ट में जो ए एन था उसको टू पावर एन से रिप्लेस कर दिया, और इधर ये टू एन जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूंकि आपने इफ एंड ओनली बना दिया, ये करेक्टराइजेशन बना दी, लिहाजा ये दोनों लिहाज से अप्लाई होगा। मतलब ये कि जब इफ एंड ओनली कहते हैं तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, एंड कन्वर्सली अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब समटाइम ये डायरेक्टली सीरीज को देखना मुश्किल है, लेकिन अगर ये वाली नई सीरीज आप बना लेंगे टू पावर एन ए टू पावर एन, तो शायद उसको देखना आसान हो, राइट। तो अब आइए इस टेस्ट की तरफ, टेस्ट क्या कहता है, वंस अगेन टेस्ट क्या है कि सपोज ए वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री एंड सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू एन सो ऑन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस हमारी जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म है, वो डिक्रीजिंग है, दैट इज ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देन द सीरीज समेशन ए एन एन विल इज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस, यानी कि आप क्या करेंगे इस सीरीज से यह सीरीज बना लेंगे और इसकी कन्वर्जेंस को आप टेस्ट करेंगे, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट है, राइट। यही टेस्ट हम डाइवर्जेंट के साथ भी दे सकते हैं, डाइवर्जेस इफ एंड ऑल इफ दिस इज डाइवर्जेस, तो तब आप क्या करेंगे, तब इसी का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कन्वर्जेस के साथ आ जाएगा, और यही प्रूफ जो मैं कर रहा हूँ इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट, हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है, ये वाली सीरीज, अज्यूम समेशन जीरो टू इन्फिनिटी टू पावर एन, ये टू पावर एन वाली जो सीरीज है इसलिए इसको टू पावर एन टेस्ट भी कहते हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो टू पावर एन टेस्ट की जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसका कोई सम एल होगा, तो आपने सपोज कर लिया कि लेट सम इज इक्वल टू एल, चूंकि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि भाई ये जो सीरीज की कन्वर्जेंस है ये कोई अजीब बात नहीं है, ये इन तमाम नंबर्स का जो सम है वो बेसिकली अगर आ जाता है, तो अगर आप कहते हैं कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब उसका सम अवेलेबल है, तो हमने अज्यूम कर लिया जी कि फर्ज करें इसका जो सम है वो एल है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये सीरीज ये कन्वर्जेंट है, इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो इसको कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो, और लास्ट टाइम हमने एक आइडिया दिया था कि भाई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो होता है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, चूँकि हर दफ़ा आप एक कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली जब सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, सीक्वेंस की सारी पॉजिटिव टर्म है, तो बेशक छोटा ही पॉजिटिव नंबर क्यों नहीं है, वो जब ऐड करते जाते हैं उसमें ऐड करते जाते हैं तो पीछे वाले से ज़्यादा नंबर आता जाता है, एस वन इज समथिंग एस टू चूँकि ऐड कर दिया वन प्लस टू ए वन प्लस ए टू को तो और कुछ ज़्यादा होगी, लिहाजा ये हर दफ़ा नंबर बढ़ता जा रहा है, रिमेंबर फॉर पॉजिटिव टर्म्स सीरीज, इसलिए ये इंक्रीजिंग तो होगा, राइट। और अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और उसके पास जो है एक सबसीक्वेंस जो है बाउंडेड हो जाए, तो हमने कहा था कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस का अगर सबसीक्वेंस बाउंडेड है तो भाई मोनोटोन सीक्वेंस खुद से बाउंडेड है, लिहाजा हम इसका एक सबसीक्वेंस ढूंढते हैं, इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का एक सबसीक्वेंस ढूंढते हैं जो कि बाउंडेड होगा, चूंकि ये मोनोटोन होगा एस एन द सीक्वेंस ऑफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम चूंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और उसके पास एक सबसीक्वेंस आ जाएगा जो कि
बाउंडेड है, लिहाजा ये इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो खुद से बाउंडेड होगा, और बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है, लिहाजा वो कन्वर्जेंट होगा, लिहाजा वो कन्वर्जेंट होगा। सो दिस इज द वे। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जनरेट करना चाहिए जो कन्वर्जेंट हो, या हमें इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का एक सब सीक्वेंस जनरेट करना चाहिए जो कि बाउंडेड हो, ताकि उससे हम कह सकें, चूंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो मोनोटोन है इसलिए वो खुद से भी बाउंडेड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आप देखिए, नो डैट अगर आप इसको चलाएंगे तो ए वन जो है वो लेसर इक्वल टू ए वन, इसको आप लिख सकते हैं टू नॉट ए टू नॉट, क्योंकि टू पावर जीरो वन है और टू पावर जीरो ये भी वन है, तो ए वन बेसिकली टू पावर जीरो, ए टू पावर जीरो, यू कैन ऑलवेज राइट। अब ए टू प्लस ए थ्री, दिस इज लेसर इक्वल टू, आप देखिए ए टू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ए थ्री है, ठीक है, ए टू जो है तो ए टू बड़ा है, ए टू बड़ा है ए थ्री से, तो अगर बड़े से मैं रिप्लेस कर दूं तो फिर ये लेस ही रहेगा, ये ए टू प्लस ए टू ही रहेगा। ऐसा क्यों है, ए टू तो ए टू से ही रहा और ए थ्री जो है वो लेसर इक्वल टू ए टू है, यस इधर से पढ़िए, ए थ्री इज लेसर इक्वल टू ए टू, हमने कोई ऐसी बात, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, लेकिन या आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिंस अगर उस तरह से दिया जाता है कि लेट ए एन बी एस डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो फिर आप कहते हैं सिंस ए एन इज डिक्रीजिंग, ये भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट गिवन की बजाय आप लिख सकते हैं सिंस ए एन इज डिक्रीजिंग, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कि टू ए टू, टू ए टू, आप इसको लिख सकते हैं टू पावर वन ए पावर टू पावर वन, राइट, इस तरह से चलते जाए, ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन, दिस इज लेसर इक्वल टू, लुक एट ए फोर, इन सबसे बड़ी है, ए फोर ग्रेटर इक्वल टू ऑल, तो अगर ए सबको ए फोर से रिप्लेस कर देंगे तो ये सारी की सारी ऑलरेडी जो है ए फोर से लेसर है, जो शुरू में आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, जैसे आपने ए टू जो था आपने देखा कि ए थ्री लेस था ए टू से, ठीक है, छोटे वाला उससे बड़ा है उसकी वैल्यू, तो लिहाजा अगर मैं सबकी जगह ए फोर लिख दूं तो आई कैन राइट ए फोर प्लस ए फोर प्लस ए फोर प्लस ए फोर विच इज फोर ए फोर विच इज टू स्केयर ए टू स्केयर। आपके ये भी क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो मैं इसका सहारा लेना है, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से ये बन जाए या इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन जाए। याद रखिए अगर हम कहते हैं ये कन्वर्जेंट है तो इसका सम एल है, तो इसका मतलब ये है बाय डेफिनेशन से कि इसका हर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो भी कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट एल, राइट, चूंकि आपने इसको इस टू पावर एन सीरीज को कन्वर्जेंट माना है और आपने इसका सम एल माना है, इसका मतलब है बाय डेफिनेशन इसका जो भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा एंड विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, राइट, और चूंकि वो कन्वर्जेंट है तो यूरिशियन प्रॉपर्टी से उसका हर सब सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट एल, यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये सीरीज को आप कन्वर्जेंट माने और सम को एल माने तो फिर इस सीरीज का हर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी एल को कन्वर्ज करेगा, उसका हर सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो भी एल को कन्वर्ज करेगा। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड इस साइड पे जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस सीरीज का बनेगा और उसका रिलेशन जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस सीरीज में बनाना चाह रहा हूं ताकि मैं कहूं कि ये जो भी सीक्वेंस बन रही है ये इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सब सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है, राइट, या अगर जो कन्वर्जेंट होता है वो बाउंडेड होता है, ठीक है।
तो इधर जो भी सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसकी बनेगी बीइंग कन्वर्जेंट बाउंडेड होगी दैट मस्ट लेस इक्वल टू सम के होगी, और इधर जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन रहा है या सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बन रहा है वो इसकी सी बन रही है सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो ये जो सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विल बी बाउंडेड बाय सम नंबर ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, इट मींस कि इसके पास एक सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ गया जो कि बाउंडेड बाय सम नंबर है, और सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है यू नो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो इंक्रीजिंग होता है, अगर इसका सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड हो गया तो वो खुद से बाउंडेड है और खुद से इंक्रीजिंग भी है लिहाजा वो कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो दिस इज द वे व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और ये भी ज़रूरी है कि आपको ये जानना चाहिए कि रास्ता क्या होना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम इसकी कन्वर्जेंस अश्योर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स कन्वर्जेंस, इसकी कन्वर्जेंस का मतलब है इसका हर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है और फिर उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, तो इसकी बाउंडेड इसके सब सीक्वेंस की बाउंडेडनेस या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की बाउंडेडनेस को अटेन करते हुए यूज करते हुए इसके सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो है बाउंडेडनेस की अश्योरेंस करेंगे, राइट right? तो ये आइडिया है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, लुक एट दिस, ओके एंड सो ऑन। अब चलते जाइए, एंड सो ऑन एंड पे जाएंगे तो ये आप देखेंगे a2n पे क्यों आ गया, पहले a पावर 2 0 है, फिर a पावर 2 1 से स्टार्ट किया, a पावर 2 2 से स्टार्ट किया, चलते चलते लास्ट a पावर 2n से स्टार्ट होगा, ये इसकी भी वजह है, इसकी भी वजह है कि पहले हमने a 1 से स्टार्ट किया यानी कि a 2 0, यानी कि यहाँ से सिर्फ इसी a की टर्म की बात करेंगे तो s 2 0, और फिर इन तीनों को ऐड कर यहाँ से हमने A2 से और A3 तक गए, ठीक है, तो ये भी देखें ये कहाँ तक गए, ये 1 और ये 2 3, यानी कि ये 2 जो है 2 जो है 2 3 को 2 पावर 1, और इसको मैं कहूँगा 2 पावर 2 माइनस 1, एंडिंग में देख लिया आप एंड कहाँ पे कर रहे हैं, 2 पावर 2 माइनस 1, यानी कि इसके लिहाज से देखें तो इसमें एक ऐड हो गया, आप तीसरा 4 से चल रहे हैं और 7 पे खत्म कर रहे हैं, 4 जो है वो 2 पावर 2 है और 7 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2 पावर 3 माइनस 1, स्टार्टिंग को भी नोटिस कर लिया, एंडिंग को भी नोटिस कर लिया, राइट इस साइड पे कि 1 फिर 2 1 का तो वाले से आगे हम जाते तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 आ जाएगा और 0 रिटर्न तो इस वाली में है नहीं, राइट, तो फिर इसका तो 2 पावर n से स्टार्ट करेंगे, a पावर 2 पावर n प्लस 1 और एंडिंग कहाँ पे होगी, a पावर 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 पे, सिमिलर फैशन से हमने यहाँ से 2 से 3 तक देखा कि 2 जो है वो 2 पावर 1 है और 3 जो है वो 2 पावर 2 माइनस 1 है, फिर 4 और 7, ठीक है ये 2 पावर 2 4 है और 7 2 पावर 3 माइनस 1 है, एंड सो ऑन, जब इसी फैशन में कंटिन्यू रखेंगे तो एंडिंग वाला 2 पावर n होगा और लास्ट वाला होगा 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये होगा राइट right? अब इस साइड पे भी गौर कीजिए, दिस मस्ट बी लेस इक्वल टू, अब देखें ये a पावर 2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये 2 पावर n से स्टार्ट होगा, तो ये 2 पावर 2 और यहाँ पे लेस ऑफ 2 पावर n a 2 पावर n फर्स्ट वाली टर्म आप पिक कर रहे थे तो फर्स्ट वाली टर्म हमने पिक कर ली, राइट ओके ये बन गया, ठीक है दोबारा इसको देख लीजिए कि a1 लेस इक्वल टू a1, इसको 2 पावर 0 a 2 पावर 0 लिख सकते हैं, और a2 प्लस a3 को a2 प्लस a2, ये 2 टाइम हो गया 2 टाइम a2, तो ये 2 पावर 1 a पावर 2 पावर 1 ये गिवन है कि चूंकि a3 जो है वो लेस इक्वल टू a2 है, सिमिलरली अब बड़े बड़ा चूंकि इन सबसे बड़ा है
तो लिहाजा अगर उसको लिख लेंगे तो ये हर एक से, फाइव को भी फोर से रिप्लेस कर दिया, सिक्स को भी फोर से, सेवन को भी ये फोर से, तो ये लेस और इक्वल टू बन जाएगा, चूँकि ये सारे फोर वाले जो हैं वो सारे इससे भी इससे भी इससे भी बड़े हैं, राइट, ये भी गिवन है। तो अब इसको फोर फोर, ये टू स्केयर, ये टू स्केयर रह गया। अब आ गया लास्ट, सो ऑन जनरलाइजिंग, हमने गौर किया ये वन है, ये टू से स्टार्ट हो रहा है, थ्री पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि टू को टू पावर वन कह लिया और थ्री को टू पावर स्केयर माइनस वन कह लिया, और फिर फोर और सेवन, फोर को हमने टू स्केयर कह दिया और सेवन को टू क्यूब माइनस वन कह दिया, एंड सो ऑन। जब जनरलाइज करेंगे तो फिर ये ए टू पावर एन से स्टार्ट होगा और ए को टू पावर एन प्लस वन माइनस वन पे एंडिंग होगी, और राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है टू पावर एन ए टू पावर एन आ रही है, ठीक है। अब आप देखिए कि अब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इजीली बन रहे हैं। अब गौर कीजिए, अगर मैं इन दो टर्म्स को ऐड करूं, अगर इन दो टर्म्स को ऐड करूं तो ये बनेगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, तो अगर आप देखें तो ये बन जाएगा एस टू पावर टू माइनस वन, ये बन रहा है एस टू पावर टू माइनस वन, चूंकि ये इनको ऐड कर लूँ, और इधर जो ऐड हुआ वो बनेगा लेसर इक्वल टू टू नॉट ए टू नॉट प्लस टू वन ए टू वन, ये बनेगा, क्योंकि ये और ये ऐड हो जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा समेशन टू पावर के टू पावर एन ए टू पावर एन एन फ्रॉम जीरो टू वन, बस इतना ही बनेगा ना, ये जीरो से वन ही बनेगा, राइट। खोलेंगे तो जीरो के लिए टू पावर जीरो ए टू पावर जीरो, यानी कि ये जो है आप देखें ये उस सीरीज की फॉर्म ले रहा है, ये पार्शियल सम है इतना, लेकिन अगर आप इनको ऐड करेंगे ए फोर से लेफ्ट साइड पे ये ऐड करें तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा जी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन लेसर इक्वल टू, अगर इन पे गौर करें तो ये बनेगा एस टू पावर थ्री माइनस वन, ये सारे के सारे ऐड होने से क्या बन गया, दिस दिस दिस, अभी मैं इतना ही ऐड किया, तो ये एस टू पावर थ्री माइनस वन बनेगा, राइट। और इधर क्या बनेगा, ये तीन ऐड होगी, इधर बनेगा टू नॉट ए टू नॉट प्लस टू वन ए टू वन प्लस टू टू ए टू टू, इसको आप देख सकते हैं समेशन टू पावर एन ए टू पावर एन और एन वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टू। लुक, अब आपको नजर आ रहा है कि इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ये उसके लिहाज से एस टू बनेगा, उसके लिहाज से, क्योंकि उसमें नॉट वाली भी टर्म है, तो उसके लिहाज से यानी कि दिस इज लेस देन इक्वल टू एस टू एस टू, दिस इज एस वन, क्योंकि इसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा था ना जी, हमने इसलिए एस वन इसको कहा। तो अगर उस सीरीज का देखेंगे तो वो एस वन बनेगा, इस सीरीज का देखेंगे तो ये एस टू बनेगा, एंड सो ऑन, यानी कि जो उसकी जब एस टू टू पावर एन माइनस वन बनेगी तो उधर लेस देन इक्वल टू समथिंग इस तरह से कुछ बनेगी। इसका मतलब ये, चूंकि राइट साइड पे जो आपकी टू पावर एन सीरीज है उसको आपने कन्वर्जेंट माना हुआ, उसका सम एल माना हुआ, लिहाजा उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जिंग टू एल होगी, और हर कन्वर्जन सीक्वेंस बाउंडेड है, लिहाजा बाउंडेड बाय एल भी लिया जा सकता है या कोई नंबर के भी लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट। सो इफ यू एड ऑल दिस, तो ये तो मैं रफली आपको काम करके दिखा रहा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब जी इसके बाद लिखिए एडिंग अबव इनइक्वालिटीज, राइट, क्या लिखेंगे जी, एडिंग अबव इनइक्वालिटीज, वी गेट, क्या आ जाएगा जी, ओके, इधर क्या आ जाएगा, अभी आपने देखा
वो बनेगा एस पावर टू एन माइनस वन विच इज लेस और इक्वल टू राइट, जो कि अगर आप देखें ऐड करने से बनेगा समेशन ए के ए एन एन विच वन टू ए के कह लेते हैं चले, क्योंकि आपने टू पावर एन पैदा करना है, तो के विच वन टू टू पावर एन माइनस वन। इंडेक्स इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये आप यहाँ टू पावर एन दिखाना चाहते हैं तो फिर एन और यहाँ भी एन ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो इंडेक्स हमने एक एक कर लिया राइट। दिस इज ऑफ कोर्स लेस और इक्वल टू आपने बना लिया है समेशन टू के ए टू के और यहाँ के आपने रखा जीरो से एन, जीरो से एन, यू नो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज लेस और इक्वल टू लेस और इक्वल टू समेशन टू पावर सॉरी के, दिस इज टू पावर के ए टू पावर के और या चलो एन ही कर लेते हैं ताकि आपको ओरिजिनल नजर आ रहे, टू पावर एन ए टू पावर एन एन मिनस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। लुक ये हमारा एन तक था, एन टर्म्स तक पार्शियल सम था और ये पूरी सीरीज है, ये लेस इक्वल टू दिस है एंड यू नो दिस इज इक्वल टू एल, दिस इज इक्वल टू एल, तो व्हाट डज इट मीन कि ये एस टू एन माइनस वन जो है लेस इक्वल टू एल हो गया, लेस इक्वल टू एल हो गया। दिस दिस शोज दैट एस टू एन माइनस वन इज लेस इक्वल टू एल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ समेशन एन इज बाउंडेड एंड सो द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज इज बाउंडेड एज वेल, ठीक है। हेंस दैट इज एस टू एन माइनस वन इज अ बाउंडेड सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स एस एन ऑफ द सीरीज लुक। हमने क्या शो किया कि ये एस टू एन माइनस वन लेस इक्वल टू एल है, इसका हमने शो कर दिया कि S2 n minus 1 is a bounded subsequence of the sequence of partial sum Sn of the series this, इसका मतलब क्या हुआ? Hence Sn is bounded itself, ठीक है? Hence Sn is bounded, also it is increasing, also it is increasing also also it is increasing so by monotone convergence theorem Sn is convergent और अगर सीक्वेंस है पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो फिर सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। देयरफॉर
ट्रांसफॉर्मेशन ए एन एन में जिसमें वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्टेड। ले जी ये रास्ता आप समझ लें कि रास्ता क्या हमने बनाया कि हमने समेशन जो टू पावर एन की सीरीज है उसको कन्वर्जेंट माना, चूंकि वो कन्वर्जेंट है तो लिहाजा उसका कुछ सम एल होगा, और फिर हमने ये क्लेम किया चूंकि वो कन्वर्जेंट है लिहाजा उसका आर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो भी कन्वर्जेंट होगा, और चूंकि उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट। और इसके अलावा एक और भी है कि हर कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये हमने यूज़ नहीं किया, हमने उसको सब सीक्वेंस को एक्चुअल सीक्वेंस लेस और इक्वल टू करके और उसको चूंकि वो एल है तो ऐसे यूज़ कर लिया। और टारगेट इज़ टू शो दैट अ सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, अ सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन ए एन जो है उसको मैं बाउंडेड प्रूव कर दूँ, अगर वो बाउंडेड होगा तो सीक्वेंस ऑफ इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है खुद से बाउंडेड है, वो इसलिए बाउंडेड है चूँकि इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा चूंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो हमेशा जब भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते जाएंगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो पहले से कुछ ज़्यादा ही होगी, पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव नंबर ही ऐड होगा ना जी, तो दैट्स वाई चूँकि वो इंक्रीजिंग है तो उसका सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड है तो वो खुद से बाउंडेड होगा क्योंकि सब सीक्वेंस तो एंड तक चला जाएगा वो भी कन्वर्जेंस तक चला जाएगा तो लिहाजा उसको भी बाउंडेड होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो सब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो खुद से बाउंडेड भी हो गया और मोनोटोन पहले ही था लिहाजा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से वो कन्वर्जेंट हो गया और इस वजह से हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट है, हेंस बाय डेफिनेशन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्सली अब इसको कन्वर्जेंट मानते हैं और प्रूव करते हैं कि हमारा जो जो टू पावर एन की सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। ओके ओके जी, नेक्स्ट इज आप देखिए कि कन्वर्सली हमने प्रूव करना है conversely we assume that the series summation 2 power n a 2 power n n is from 0 to infinity सॉरी, आप इसको तो प्रूफ करना है, हम दूसरी वाले को मानेंगे, समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। अब हमें टू पावर एन सीरीज की तरफ जाना है तो रास्ता वही होगा कि अब हम टू पावर एन सीरीज का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाएंगे तो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो भी क्या है जी बाउंडेड है। ठीक है, और सेम रास्ता यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले प्रूव किया, और उसके लिए हम इस सीरीज़ का यूज़ करेंगे कि ये जो है जो कि कन्वर्जेंट है तो आप यहाँ भी अज्यूम कर लें कि लेट समेशन ए एन वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल डैश, से इसको आप एल डैश मान लें, एल भी माना जा सकता है कोई मसला नहीं है, ये आप मत समझिए कि वही है। ठीक है, हमने ये कहा है कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक है ओके, हम इसकी कन्वर्जेंस की अश्योरेंस दे रहे हैं, तो चलिए अब आप बनाइए उसी तरह से, देखें कैसे बनाएंगे कि नोट डैट बिल्कुल सेम प्रूफ है, नोट डैट ए थ्री प्लस ए फोर, यहाँ से अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए फोर प्लस ए फोर है क्योंकि ये ए फोर तो ए फोर से हो गया और ये ए थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए फोर है, राइट, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, ये टू ए टू स्क्वायर, ये आ गया टू ए टू स्क्वायर
आगे चलिए, ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए एट ग्रेटर इक्वल टू, ये सारे के सारे देखिए क्या होगा जी, ए एट प्लस ए एट प्लस ए एट प्लस ए एट। अब हम लास्ट वाला देख रहे हैं, ये छोटा बड़े से बड़ा है, छोटा बड़े से बड़ा है, तो ये ए एट चूंकि सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा डिक्रीजिंग की वजह से, तो ये इसलिए बन गया जी दिस इज इक्वल टू फोर ए एट, दिस इज इन फैक्ट क्या बन जाएगा टू स्क्वायर, दिस इज टू स्क्वायर ए टू क्यूब एंड सो ऑन। जब आप चलते जाएंगे तो जब एंड पे पहुंचेंगे आप देखेंगे टू एन प्लस वन से स्टार्ट हुए, कहाँ से स्टार्ट हुए, टू एन प्लस वन से स्टार्ट हुए, और फिर ये भी टू एन प्लस वन है तो लास्ट क्या होगा, ए टू एन प्लस वन प्लस वन, और लास्ट कहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है ए टू एन प्लस वन, यानी कि ये है फाइव का आप कह सकते हैं टू स्क्वायर प्लस वन, जबकि एट को कहेंगे टू क्यूब, यानी कि इसमें एक ऐड होगा इस तरह से, थ्री को कहेंगे टू स्क्वायर प्लस वन, और फोर को कहेंगे टू स्क्वायर, ठीक है टू प्लस वन इसको कहेंगे, टू प्लस वन और इसको टू स्क्वायर, इसका जो एंडिंग होगी वो होगी ए टू एन प्लस वन, यहाँ पावर में प्लस वन होगा, यहाँ टू एन में प्लस वन है, और दिस इज ग्रेटर इक्वल टू, ये किससे मैच हो रहा था, टू स्क्वायर से नेक्स्ट टू क्यूब, यानी कि एंडिंग वाले से ये मैच हो रहा है, और इधर एक काम है, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू टू पावर एन ए टू पावर एन प्लस वन, ठीक है बिल्कुल उसी फैशन पे हम चल रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आप ऐड कर लें, अच्छा यहाँ पे आपको ये होगा कि जी ऊपर वाले हमने क्यों नहीं किए, ठीक है हम एक सबसीक्वेंस भी अगर कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं, सबसीक्वेंस भी तो आपको पता है कि सॉरी के टेल, अगर कुछ फ्यू टर्म्स छोड़ने से भी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो एक्चुअल सीरीज़ भी कन्वर्जेंट, हमने कहा था कि जी फ्यू टर्म्स छोड़ने से सीरीज़ की कन्वर्जेंस पे इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है उसकी हर टेल कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्सली, राइट। तो यहाँ थ्री से ऑनवर्ड सारी सीरीज चल रही है, तो देखिए क्या बना फिर, जी सो एडिंग अबव इनक्वालिटीज वी गेट, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आप देखिए ये बनेगा समेशन ए के k वेरीज फ्रॉम थ्री टू इन्फिनिटी, सो ऑन चलता जाएगा ना जी, ठीक है दिस इज ग्रेटर इक्वल टू, इधर आप देखें ये वन बाय टू, चूंकि हर तरफ एक काम हो रहा है इसको आप वन बाय टू और टू से मल्टीप्लाई भी कर लें, यानी कि इसको चूंकि जब इसके अंदर पूरा करना चाहते हैं तो इसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, डिवाइड से टू स्क्वायर पूरा हो जाएगा, इधर भी एक काम है तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके पूरा कर लें और वन बाय टू बाहर आ जाएगा, इधर भी टू पावर एन इसको टू से मल्टीप्लाई करें एन प्लस वन एक वन बाय टू बाहर लिख लें, तो वो वन बाय टू मैंने ये लिख लिया और अंदर ये सीरीज पूरी होती जा रही है, लिहाजा लिख सकते हैं दिस इज समेशन टू पावर के ए टू पावर के टू पावर एन ए टू पावर एन एन मेरे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, राइट ओके सॉरी हमारा जो एन चल रहा है टू टू इन्फिनिटी, हमारा कहाँ से चल रहा है टू स्क्वायर से स्टार्ट हुए हम टू स्क्वायर से, तो वन बाय टू जब टू डालेंगे तो टू स्क्वायर ए टू स्क्वायर, यस इधर ये बन गया इधर ये बन गया ग्रेटर इक्वल टू ये बन गया। अब आप देखिए आर यू कैन से
आर इस टू को मल्टीप्लाई कर दें, समेशन टू पावर एन ए टू पावर एन एन विल फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल टू टू टाइम समेशन ए के ए एन ही कर लेते हैं जी, ए एन एन विल फ्रॉम थ्री टू इन्फिनिटी, या भी आप एन ही कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीधा ही आ रहे हैं। ओके लुक एट दिस नाउ, अब ये आपने कन्वर्जेंट मानी हुई है, ये क्या है कन्वर्जेंट है, और यू नो दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू टाइम समेशन ए एन एन विल फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, और ये दिस इज टू एल डैश राइट। इसका मतलब ये जो एस ये जो सीरीज है ये टू एल डैश है ठीक है, इज बाउंडेड बाय क्या हो गया जी, दिस इज बाउंडेड बाय दिस दिस शोज दैट समेशन टू पावर एन ए टू पावर एन एन विल फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी इज दैट इक्वल टू टू एल डैश राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी जो सीरीज है ये बाउंडेड है, उसके अलावा ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल आपको पता होगा कि हमने कहा था कि जी एक थ्योरम दिया था कि सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो है अगर ये लेस देन इक्वल टू एल है तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी बाउंडेड होगा राइट, और इसलिए वो कन्वर्जेंट होगा। ओके तो देखिए यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम कुछ एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि किस तरह हम इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं राइट। इस टू पावर एन सीरीज से हम कुछ डिड्यूस करते हैं, और एक तो होगी हमारी जो पी सीरीज है, और एक और जो है टू वेल नोन टेस्ट जो हैं वो भी इससे देखे जा सकते हैं राइट जी। चलें अच्छा ये कंप्लीट हो गया, लिखना तो एक आध लाइन और लिख लें, समय लाइट भी चली गई और मार्कर भी एंडिंग है। Hence, hence the sequence of partial sums and sequence of partial sums of the series summation 0 to infinity 2 power n a 2 power n is also bounded, और आपने पढ़ा था कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड, चूंकि सीक्वेंस ये इसलिए है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो चूंकि इंक्रीजिंग तो होता ही है, तो ये अभी भी मैंने बताया आपको, कंसिक्वेंटली समेशन टू पावर एन ए टू पावर एन इज कन्वर्जेंट राइट जी। ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, अब आइए इसके एप्लीकेशन की तरफ राइट। अब एक बड़ी इससे पहले एप्लीकेशन से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं पास करना चाहता हूँ जो सब लोग जानते हैं, आपने एफएससी की क्लासेस में पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीरीज ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज की जस्ट हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आप किसी भी एफएससी की किताब से देखिए इसका प्रूफ दिया होगा
वो क्या है, चलिए हम डिस्कस ही कर लेते हैं जी। मैट्रिक्स सीरीज ये क्या होती है, पहले ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यही है जी जो मैट्रिक्स सीरीज, इसको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट समेशन ए आर एन, एन वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। जब जीरो डालेंगे तो ए आ जाएगा, वन डालेंगे तो ए आर आ जाएगा, सो ऑन ए आर स्क्वायर। तो यहां आप देखें जब S1 बनाएंगे वो A आ जाएगा, S2 आएगा A प्लस AR आ जाएगा, और S3 A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर आ जाएगा, राइट एंड सो ऑन। चलते जाएं, अगर S1 में आप डॉट को भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, A प्लस AR भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर एस नॉट आपका ए प्लस ए आर आ जाएगा, एस टू वो भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा एंड पे जाके, एंथ टर्म में एक कम या एक ज़्यादा हो जाएगी, वो नो मैटर। तो अगर मैं इसी तरह से चलूँ तो एस एन क्या होगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन ए आर एन माइनस वन, फर्स्ट एन टर्म्स का सम। अगर इसको देखें तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ए आर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, इस किस्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब आप इसके ऊपर लिमिट लगाएं, जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन क्या बनेगा जी, अब देखें ये आपने पढ़ा है जी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एन जीरो होता है जब आर मॉड लेस देन वन है। ये हमने आपको सीक्वेंस के चैप्टर में बल्कि मैंने आपको वो वाला भी बना सीक्वेंस थ्योरम की मदद से भी शायद इसको प्रूव किया था, या उससे पहले भी हमने ये बात प्रूव की थी कि आर एन जो है जीरो होगा व्हेन आर मॉड लेस देन वन होगा, राइट। तो और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एन इन्फिनिटी हो जाता है अगर आर ग्रेटर देन वन है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैंने आपको ये पिछली सीक्वेंसेस की एग्जांपल्स में बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए माइनस ए ओवर आर माइनस वन, तो माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करें तो ए ओवर वन माइनस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ए ओवर ए ओवर वन माइनस आर, कब वाला जब आर मॉड लेस देन वन आएगा, और जब आर जो है वन होगा तो वन माइनस वन जीरो, इधर भी वन माइनस वन जीरो बाय जीरो, तो जब लॉपिटल रूल लगा लें एन आर पावर एन माइनस वन नीचे वाला तो खत्म हो गया, तो एन की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, या फिर एक्चुअल सीरीज में यहाँ पे आर वन लगा लें तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इन्फिनिटी टाइम ए आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों से जैसे मर्जी देख लें, इसका मतलब ये इन्फिनिटी होगा जब आर इज इक्वल टू वन होगा और इन्फिनिटी होगा जब आर ग्रेटर देन वन होगा, राइट। तो आप इसको समराइज कर लें, इसका मतलब ये कोई आंसर आ जाता है एस एन का, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा अगर आर मॉड लेस देन वन है, और अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो फिर वो ये एस एन की सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। इसलिए जो ज्योमेट्रिक सीरीज एक्चुअली वो डाइवर्जेंट होगी जब हमारी आर मॉड ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन होगा, और वो कन्वर्जेंट होगी जब आर जो है वो आर मॉड लेस देन वन होगा, राइट। तो अब देखिए वन वाला केस अगर नहीं समझ आया तो यहाँ से देखते ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस वन, ये सीरीज है
तो जब आर की जगह वन डाल देंगे तो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस वन, ये समेशन ए, ठीक है। तो आपको उस ए को इन्फिनिटी टाइम ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये समेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज यू कैन समराइज ए ओवर वन माइनस आर व्हेन आर मॉड लेस देन वन एंड इन्फिनिटी व्हेन आर मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू वन, राइट। Hence the geometric series is convergent when r mod less than 1. Hence summation a r n n is from 0 to infinity is convergent if r mod less than 1 and divergent if r greater than equal to 1. Okay. ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पी सीरीज, जिसमें हम इसको यूज करेंगे। तो आपने देखें, यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाजमी, कि अगर आप देखें ना जी, वन प्लस एक्स पावर माइनस वन को अगर स्पेंड करें तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये शायद बनेगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो आर, ये बनेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये वन ओवर वन प्लस एक्स है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू वन सब्स्टिट्यूट करें तो इधर आ जाएगा वन बाई टू और इधर आ जाएगा वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो इधर आप चाहें तो इन दोनों दोनों को अटैच कर लें या इन दोनों दोनों को अटैच कर लें, आपकी मर्जी है। जीरो 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 या वन को बचा लें, जीरो 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 जो मर्जी कर लें। तो लेट्स से मैं जीरो जीरो कर लेता हूँ, ठीक है। तो जीरो आ गया, दिस इम्प्लाई वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई वन इज इक्वल टू जीरो, सो वन प्लस वन इज इक्वल जीरो प्लस वन, वन इज इक्वल टू। द प्रॉब्लम इज ऐसा क्यों है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, राइट साइड पे क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, और आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम लिख दिया है। तो जब आपने इसका सम लिख दिया है तो आपने इसको कन्वर्जेंट मान लिया है। जब कन्वर्जेंट माना है तो फिर एक्स वन वन नहीं डाल सकते, एक्स मॉड लेस देन वन होना चाहिए, एक्स मॉड लेस देन वन होना चाहिए। तो हमने ये किया कि इसका आंसर तो लिख लिया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज को कन्वर्जेंट मान लिया, लेकिन वैल्यू वन लिख दी, तो इस वजह से ये फैलसी आई। लिहाजा ये वन लिखना गलत है, ये वन नहीं लिख सकते। तो अदरवाइज वन लिखेंगे, आपने रूल को फॉलो नहीं किया है, ज्योमेट्रिक सीरीज थी लेकिन आंसर जो है इसको वन आपने नहीं लिख, लेस देन वन नहीं डाला, तो इस वजह से ये फैलसी आ गया, वन इज इक्वल टू आ गया। तो ऐसे ही नहीं है, जो हम रूल बनाते हैं फिर उन्हें फॉलो भी करना है, फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, राइट। वो कि ये ठीक है, वन प्लस एक्स बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप खोलेंगे तो ये आ जाती है, लेकिन आने के बाद राइट साइड पे गौर तो करें, राइट साइड पे क्या आ गया, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स से, तो भाई ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर लिख चुके हैं आप, इज इक्वल टू एक नंबर लिख चुके हैं, लिहाजा आपने इसको कन्वर्जेंट मान लिया है, ये कन्वर्जेंट है, मानना नहीं बल्कि नजर आ रहा है कि दिस इज अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज विद सम इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ फिर एक्स इज इक्वल टू वन डालेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंस जो है एक्स मॉड लेस देन वन के लिए है, दैट्स व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं जी, लास्ट लेक्चर लंबा हो रहा है, एक लास्ट आइडिया और उसके बाद इसको हम वाइंड अप करते हैं। अब इस तरह से समेशन वन ओवर एन पावर पी, पी वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, लुक वन ओवर एन पावर पी इज डिक्रीजिंग, वन ओवर एन पावर पी डिक्रीजिंग है, ठीक है, इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और इसके अलावा वन ओवर एन पावर पी जो है ग्रेटर देन जीरो भी है। ऑफ कोर्स एन की जगह जो मर्जी डाल दें, पी जो मर्जी डाल दें, पी हमारा पॉजिटिव है, पी हमारा
पॉजिटिव है तो इसको पी सीरीज कहते हैं। अब इसकी कन्वर्जेंस के लिए हम 2 पावर n टेस्ट लगाएंगे। 2 पावर n टेस्ट के ऊपर जो काशी कंडेंसेशन टेस्ट था उसमें हमने कहा था क्या होना चाहिए जी, कि हमारी जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए और डिक्रीजिंग। सो 1 ओवर n पावर p इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, आल्सो इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सो यू कैन अप्लाई 2 पावर n टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे a पावर n क्या है, वो 1 ओवर n पावर p है, तो आप अप्लाई करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए अप्लाई 2 पावर n टेस्ट, वी गेट जी 2 पावर n, a 2 पावर n, n will from 0 to infinity, this is equal to 2 पावर n, और जहां पे n पावर p है वो 2 पावर n पावर p हो जाएगा, this is 1 ओवर 2 पावर n पावर p। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 पावर माइनस n इंटू 2 पावर n p, n will from 0 to infinity। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा समेशन 0 to infinity 1 ओवर, देखिए n काम ले लें, 2 पावर p माइनस 1 होल पावर n। इसको और शॉर्टली अगर आप देखेंगे तो ये बन जाता है समेशन n will from 0 to infinity 1 ओवर 2 पावर p माइनस 1 होल पावर n। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। हमने कहा था ज्योमेट्रिक सीरीज ये फॉर्म होती है a r पावर n, यहाँ पे a 1 है और r जो है 1 ओवर 2 पावर p माइनस 1 है। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगा अगर ये मॉड लेस देन 1 है, और ये लेस देन 1 कब आती है, जब p ग्रेटर देन, जब ये पॉजिटिव नंबर ही रहे, क्योंकि जब ये नेगेटिव नंबर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। Which is a series with r is equal to 1 over 2 power p minus 1. Now, r mod less than 1 if and only if. Can you tell me? Now, if p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अगर ये चीज ये पावर जो है ग्रेटर देन 0 है तो नीचे नंबर बड़ा ही रहेगा और 1/2 जो है लेस देन 1 रहेगा, देन 2 पावर देन r मोड लेस देन 1 होगा, क्योंकि p माइनस 1 r p ग्रेटर देन 1 होगा तो r मोड लेस देन 1 होगा, एंड अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होगा r मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब हमने कहा था इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर ये शर्तें हैं, इसलिए एक्चुअल पी सीरीज के ऊपर भी यही शर्तें होंगी, हेंस बाय 2 पावर एन टेस्ट वी हैव summation 1 over n power p, n will from 1 to infinity converges, kab bola, if p is greater than 1, and diverges if p is less than equal to 1, right ji। तो आप देखें 2 पावर n जो है उससे हमने बनाया तो वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इन पे इन शर्तों पे जो है कन्वर्ज डाइवर्ज कर रही थी, लगा ये जो एक्चुअल सीरीज है वो भी इन्हीं शर्तों के तहत कन्वर्ज डाइवर्ज करेगी बाय 2 पावर n टेस्ट, राइट। इसका मतलब ये देखें, अब 1 ओवर n पावर 3
कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, ये क्या है कन्वर्जेंट है। लुक पी ग्रेटर देन वन, यहां मैंने पी को प्राइम नंबर नहीं कहा, मैंने कुछ भी कहा है, यहां पी प्राइम नहीं कहा, ये वैसे पी सीरीज का नाम है। समेशन वन ओवर एन पावर सिक्स, सिक्स ग्रेटर देन वन है, कन्वर्जेंट है, यस कन्वर्जेंट। समेशन वन ओवर एन स्क्वायर रूट एन रेज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, आप बताइए ये क्या है, वन बाय टू इज लेसर देन वन इज डाइवर्जेंट। इस तरह से समेशन वन ओवर एन हार्मोनिक सीरीज, एक और प्रूफ आ गया, एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, यहां पे एन की पावर कितनी है वन, इट इज डाइवर्जेंट, सो वन ओवर एन इज डाइवर्जेंट। ले जी ये आज हमने टू पावर एन टेस्ट पढ़ा और उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, और उसकी एप्लीकेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो पी सीरीज टेस्ट था, उसकी हमने कन्वर्जेंस पढ़ी कि अगर पी ग्रेटर देन वन है तो वो कन्वर्जेंट है, अगर पी लेस देन इक्वल टू वन है तो वो डाइवर्जेंट है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखी। आप इसको देखिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फर्दर जो है वो टेस्ट डिड्यूस करेंगे और फर्दर टेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।